हमारे लिए आज की तलावत खरूज की किताब उसका तीसरा बाब पहली से छठी आयत और नौवीं से बारहवीं आयत तक। और मूसा मदियान के काहिन अपने ससुर यत्रो के गले चराता था, तो उसने गले को बियाबान की परली तरफ हांका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ होरेब के नज़दीक आया। तब खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और इस बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरा। अब देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। बस आ और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ और तू मेरे लोगों बनी इसराइल को मिस्र से निकाल। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकालूँ। वो बोला, मैं तेरे साथ हूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे पास ये निशान है कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाले तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की बंदगी करोगे। पाकलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।